शहनशीन पे तशरीफ फरमा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन सिद्दीक अली साहब, महमूद खादरी साहब, अतर फारूकी साहब, मुमताज साहब कॉरपोरेटर, दीगर मजलिसी कायदीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हजरात, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने साल के 12 महीने काम करती आ रही है। हजरात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने कोई नई जमात नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 30 करोड़ मुस्लिम खयादत करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाकर यहाँ पर छोड़कर चले गए। मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की दूरंदेशी का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास आज कई तालीमी इदारे हैं, तो माशी मैदान में बैंक है, तो आज सेहत के मैदान में दवाखाने हैं। आज सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमात के पास इतने सारे असासेजात नहीं है जितने मेरे मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे लिए छोड़कर चले गए। आज बरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे हिंदुस्तान की 30 करोड़ मुस्लिम खयादत को खयादत कर रहे हैं, चाहे वो बटोली में क्यों ना हो, चाहे वो गुजरात में क्यों ना हो, हर जगह बरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके हमारे बीच जा रहे हैं और मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हबीब मिल्लत आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान असेंबली में कई मसले उठा रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का क्यों ना हो, ऐवान असेंबली में आज आपने हाल ही में देखा निजाम का मसला आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। तो आज सारे हिंदुस्तान के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसा रुकन असेंबली रहने की आज ख्वाहिश की जा रही है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की असद साहब अकबर साहब की जरूरत है। आज बरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए नहीं, मिल्लत इस्लामिया के लिए आज रास निगरानी में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए, आपके जलसे को मुखातिब करने के लिए अपनी तकलीफ में आज हैदराबाद से 500 किलोमीटर दूर आज हिंदुपुर को आकर आपको मुखातिब करने के लिए आए हैं। आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दिन रात आपके लिए फिक्रमंद है, आपके तरक्यात के लिए फिक्रमंद है, आपके एजुकेशन के लिए फिक्रमंद है। आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दिन रात काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो आपको लाजिम है आज हमारा मुकाबला बीजेपी से है, कई जमातों से है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मुकाबला सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला नहीं है, आज हमारा सबका मुकाबला आज बीजेपी से है। तो आपको यह सोचना होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हिंदुपुर ही नहीं या हैदराबाद ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान के अंदर आज ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम कर रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे वो इशरत जहां का मसला क्यों ना हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब इशरत जहां के जनाजे की नमाज में शरीक हुए, तो सारे हिंदुस्तान के सियासतदानों ने देखकर वो कहरत कर ली। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ओवैसी खानदान का आज हमारे पर एक एहसान है सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुझ पर, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। आज ओवैसी खानदान अपनी हर सेहत नहीं हर वो चीज की बगैर फिक्र कर हमारे बीच कई काम करते जा रहे हैं, मिल्लत इस्लामिया के लिए काम कर रहे हैं। आज ओवैसी खानदान के लिए हमें जरूरी है ये बता देना है कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम अगर खराज हकीकत देना है तो आज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को तो हिंदुपुर से भारी अक्सरियत से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है, पतंग के बाजू आपको बटन दबाना है और असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है। शुक्रिया, वाखिरु दावा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।